हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप से आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो फैमिली, आज ना हमने अपना ब्लॉग सबसे पहले स्टार्ट करना है अपने मेरी जू से। देख लेते हैं हमारे बर्ड्स क्या कर रहे हैं। बट उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और साथ में शेयर कर दें। तो चले दोस्तों, तो दोस्तों ये है हमारे मिनी जू का डोर, यानी कि मेन डोर। एक डोर इसका ये है और एक देखिए मैंने ये यहाँ पर भी ये एक डोर इसका यहाँ पर भी ये बनवाया हुआ है। ये इसलिए कि अगर हम कोई भी ज़्यादा बड़ा सामान जो होता है, यानी कि जो भी हैवी वेट का सामान होता है, उसको हम ईज़िली यहाँ से ले जा सकते हैं। और बाकी इसमें एंट्री करने के लिए ये हमने छोटा गेट यहाँ पर लगवाया हुआ है, तो इसको खोलते हैं। तो गाइस, ये वाला जो डोर है ना, जब से यहाँ पर काम चला है थोड़ा सा टाइट हो गया है, क्योंकि कुछ सीमेंट का काम भी चला था तो इसकी वजह से ये गेट थोड़ा सा भी टाइट लगता है। तो इसको वैसे अंदर आके अंदर से लॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये खुद से इतना ज़्यादा टाइट हो गया है। तो फैमिली, अभी मैं आ गई हूँ मिनी जू के अंदर। और तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी अभी मैंने देखा है कि हमारे बजी का एक छोटा सा बच्चा देखिए बाहर आ गया है खुद से ही। और ये देखिए कितना छोटा सा बेबी है, और जस्ट मैंने इसको भी अभी देखा है, और देखिए यहाँ पर आकर धीरे धीरे खुद से फीड ले रहा है, और कितना नन्ना सा है। वैसे अभी तो ये अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंड है, इतना बड़ा है नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे खुद से बाहर निकल गया आज। और देखिए खुद से फीड भी ले रहा है, छोटा सा ये देखिए। अगर मैं इसको बाहर निकालती हूँ तो ये फिर नीचे उतर जाएगा, ये देखिए। तो छोटे बेबी, आज तुम कैसे बाहर आ गए अपने आप से ही, और कहीं तुम्हें चोट वगैरह लग जाए। तुमसे किसने कहा था यहाँ पे आने के लिए, किसने बोला था आने के लिए? वहाँ पे करा तो रहे थे मम्मा पापा तुम्हारे फीड, फिर क्यों आए तुम बाहर? देखो हाँ गाइज, आई थिंक वो ना इसकी मदर है, तो देखिए उसके पीछे लगा हुआ है, शायद उसे फीड मांग रहा है। उसी के जैसे कलर का है, आई थिंक ये उसी का बेबी है, और मेल भी शायद आई थिंक मटकी के अंदर होगा। तो पता नहीं कैसे खुद से बाहर आ गया है, अगर देख लेती हूँ। वैसे ये खुद तो जाएगा नहीं, मुझे ही अंदर करना होगा। कोई नहीं, थोड़ी देर इसको ऐसे ही घूम लेने देते हैं, यहाँ पर फीड ले लेगा, बाकी उसके बाद हम इसको फिर अंदर इसकी मटकी के अंदर छोड़ देंगे। तो यहाँ से मैं बंद कर देती हूँ, कभी ये बाहर ना निकल जाए। तो दोस्तों हमारा जो ये पहले फिंचेस का यानी कि हमारे फिंचेस की कॉलोनी हुआ करती थी, जो कि अभी बिल्कुल खाली हो गई है। अब वो खाली इसलिए है क्योंकि हमारी सभी की सभी फिंचेस बाहर हैं। ये देखिए, हमने सभी को मिनी जू में रिलीज़ किया हुआ है, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था इससे पहले वाले ब्लॉग में। तो और सभी बेंगोलिन फिंचेस भी हमारी बाहर हैं अभी, ये देखिए ये पूरा टाइम मस्ती करती रहती है, क्योंकि अभी इनको अच्छे से एकदम से फ्री स्पेस मिल रहा है, और पूरा दिन बस इनकी चहल पहल ऐसी ही रहती है। तो फैमिली, अब ना फिंचेस को तो हम बाहर ही रखने वाले हैं, लेकिन ना बहुत जल्दी हम इसके अंदर लगाने वाले हैं अपनी बेंगोलिन फिंचेस का सेटअप। तो सामान भी देखिए मैंने मंगा के रखा हुआ है यहाँ पर, बस अभी थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं इनकी नेस्टिंग वगैरह यहाँ पर लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये मटकी वगैरह मंगाई हुई है, ये देखिए। तो इस वाली साइज़ की जो मटकी हैं वो हम अंदर लगाएंगे इनकी नेस्टिंग के लिए, और ये ऊपर से बंद करने के लिए, कवर अप करने के लिए, ताकि यहाँ से निकले ना। और इसमें होल करेंगे और उसके बाद सभी को अंदर सेट करेंगे। तो ये कुछ मटकियाँ मैंने मंगा ली हैं अभी, और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है वो सब इनका सेटअप हम लोग अंदर लगाएंगे। तो उसके बाद गाइज हमारी सभी बेंगोलिन फिंचेस इसके अंदर रहेंगी, और हम बहुत जल्दी इनका सेटअप यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है? तो और साथ ही में गाइज हमारे लव बर्ड्स, ये देखिए प्यारे प्यारे से लव बर्ड्स, इनको भी मैं जल्दी इनके बॉक्सेस चेक करूंगी, देखती हूँ उनके अंदर एग्स हैं या बेबीज हैं क्या हैं, वो भी हम जल्दी चेक करेंगे। और दोस्तों आज ना मैंने इनको मॉर्निंग में देखिए सॉफ्ट फूड भी दिया था,
तो देखिए इन्होंने अभी तक सब फिनिश कर दिया है। ये मैंने रात में मिक्स दाल थी वो भिगो कर रख दी थी और फिर मॉर्निंग में इनको दी थी। तो देखिए अभी सभी इन्होंने खा ली हैं और ख़त्म भी हो गई है काफ़ी हद तक। तो आज मैंने इनको मॉर्निंग में यही दिया था, दोनों बाउल्स के अंदर यही रख दिया था। और यहाँ पर हमारी जावा को भी दिया था हमने सॉफ्ट फूड। और गाइज मैंने ना इनके लिए देखिए यहाँ पर कुछ नेस्टिंग मटेरियल भी लाकर रख दिया है, वो इसलिए कि हमारी जो वाइट जावा स्पैरो बर्ड हैं अगर वो नेस्टिंग वगैरह अपनी करती हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी नेस्टिंग उन्होंने स्टार्ट भी कर दी है जो कि यहाँ पर पहले से कुछ दिन के वगैरह थे, तो अभी मैंने बाकी और भी लाकर रख दिए हैं तो ईज़िली अपनी नेस्टिंग वगैरह कर लेंगे यहाँ पर। और इधर देखिए गाइज हमारी कोकाटेल यानी कि हमारे कोको एंड कैंडी। तो कोको एंड कैंडी को भी आज देखिए मैंने सॉफ्ट फूड दिया था तो इन्होंने भी अभी पूरा का पूरा फिनिश कर दिया है। ये देखिए कुछ भी नहीं है उसके अंदर, खा लिया है। और देखिए रात मैंने इनको खीरा भी दिया था खाने के लिए तो देखिए वो भी इन्होंने पूरा का पूरा खा लिया है। उससे पहले देखिए यहाँ पर सूखा आप लोग देख रहे होंगे ये स्वीट कॉर्न दिया था खाने के लिए तो ये भी इन्होंने खा लिया है अभी। तो दोस्तों जब भी मैं इनको सॉफ्ट फूड देती हूँ ना तो ये ऐसे ही बहुत चाव के साथ खाते हैं और पूरा का पूरा जल्दी से ही फिनिश कर देते हैं। तो बीच बीच में मैं इनको जैसे जैसे मुझे लगता है ठीक कि हाँ अभी इनको सॉफ्ट फूड देना चाहिए तभी मैं इनको सॉफ्ट फूड दे देती हूँ। और कुछ मैंने रात इनके लिए जब मैं रात में फीड कराने के लिए आई थी तो कुछ बॉयल राइस थे जो कि मैंने इनके लिए रख दिए थे, वो भी हमारी प्रिंसेस और बजीज ने खा लिए थे। तो यहाँ पर भी देखिए हमारी बर्ड्स बैठी हुई हैं डाली के ऊपर। और ये देखिए हमारे मैलो को देख लीजिए, मैलो भी अपने केज के अंदर बैठा हुआ है, उसको लग रहा है कि मैं कैसे भी इसको बाहर निकाल लूँ, लेकिन अभी मैं इसको बाहर निकालूंगी नहीं। मॉर्निंग में मैंने इसको फीड करा दी थी लेकिन अभी मैं इसको इवनिंग में ही फीड कराने वाली हूँ। और दोस्तों हमारे डायमंड डव्स जिन्होंने अभी तक कोई एग वगैरह ले तो नहीं किया है काफ़ी दिन से, और अगर ये एग वगैरह ले करते भी हैं तो गाइस मोस्टली वो एग ख़राब ही हो जाते हैं। पता नहीं कौन सा दिन होगा जब इनके एग्स अच्छे से फर्टाइल होंगे और उनसे प्यारे प्यारे बच्चे देखने को मिलेंगे इनके। तो ये बस अभी ऐसे ही फ्री रहते हैं, इनको कोई टेंशन वगैरह नहीं है। तो ये ऐसे ही अभी फ्री रहते हैं, इनको अभी कोई टेंशन नहीं है, आराम से फीड लेना और आराम से स्टिक के ऊपर जाकर बैठ जाना। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर हमारा जैम जो कि अकेला बैठा है क्योंकि इसकी फीमेल इसको छोड़कर भाग गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बैठा हुआ है हमारा जैम यानी कि हमारे लॉन्ग टेल बर्ड। और गाइज ये ना बिल्कुल अभी बेचारा अकेला है, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, जब से इसकी फीमेल इसको छोड़कर गई है बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और मैंने आप लोगों को बताया था, कल ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमारी लॉन्ग टेल बर्ड मिनीजू को छोड़कर भाग गई है और पता नहीं बाहर के माहौल में कैसे रह रही होगी वो अभी। तो गाइज मेरे तो दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी सारी कमेंट्स की इस बारे में, यानी कि जो हमारी लॉन्ग टेल बर्ड हमारी मिनीजू को छोड़कर चली गई है, उसमें से एक कमेंट हमारे एक सब्सक्राइबर हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स 1851, तो उन्होंने ये कमेंट की कि आपके पास जो एक लॉन्ग टेल बर्ड है यानी कि जो मेल रह गया है उसको भी आप रिलीज़ कर दीजिए, और क्योंकि उसकी जो फीमेल है वो तो चली गई है उसको भी आप छोड़ दीजिए, नया पेयर लाइएगा। अब गाइज मसला ये है कि मैं इसको रिलीज़ तो कर दूँ बट प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वो तो अनजाने में निकली है और मैं नहीं चाहती थी और चाहती भी नहीं हूँ मैं कि कोई भी बर्ड मेरे मिनीजू को छोड़कर भागे, क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ के माहौल में इतने अच्छे से ढल गए हैं और इतने अच्छे से अपने आप को कम्फर्ट फील कराते हैं, बट अगर बाहर के माहौल में रहते हैं तो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि पता नहीं क्या खाएंगे क्या पियेंगे और अचानक से सब कुछ चेंज हो जाता है तो बहुत बार डेथ भी कर जाते हैं। तो फैमिली इसको जानबूझकर अगर मैं ऐसे रिलीज़ करूं और पता नहीं ये कहाँ कैसे रहेगा तो फिर मुझे बहुत दुख होने वाला है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे।
और मैं यही कोशिश करूंगी कि जैम के लिए, यानी कि हमारा लॉन्ग टेल मेल जो है, इसके लिए जल्दी से बेस्ट फीमेल इसको ला कर दूँ। तो जब इसके लिए अच्छी सी फीमेल आ जाएगी तो फैमिली ये पेयर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं जल्दी इसके लिए फीमेल लेकर आऊँगी। तो खैर अभी क्या ही कर सकते हैं, बाकी कोशिश करूँगी जल्दी इसके लिए फीमेल लेकर आने का। और बाकी गाइस हमारे मिनी जू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और जल्दी हम हमारी जो हमने अपनी नेस्ट बॉक्स लगाए हैं अपनी बर्ड्स के लिए, इनको भी चेक करने वाले हैं। देख लेते हैं कौन से नेस्ट के अंदर किसके बेबीज़ या किसके एग्स वगैरह रखे हुए हैं। तो जल्दी ये सब कुछ भी चेक करना है, तो वो भी चेक करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल ब्लॉगर कुकी पैट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कल मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक पर न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, साथ ही अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।